वार्ता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज। हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां दबंग बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर दबंग ने फायर कर दिया, जिससे चौकी इंचार्ज गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं शाहजहांपुर में दो स्मगलर करोड़ों के मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरी ओर अभी नगर निकाय चुनाव समाप्त ही हुए हैं और प्रशासन ने लोकसभा के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आइए देखते हैं आज के समाचार। जनपद वीरपुर के थाना कुरौरा के ग्राम पतौरा में एक दबंग व्यक्ति के विषय में चौकी इंचार्ज सुरेंद्र यादव को सूचना मिली कि शंभू नामक गुंडा तमंचे के बल पर गांव में दहशत पैदा कर लोगों का उत्पीड़न व वसूली कर रहा है। सूचना देने वाले ने शंभू के कारनामों की एक वीडियो भी दरोगा सुरेंद्र यादव को दिखाई। ग्रामीण की गोपनीय सूचना पर कांस्टेबल के साथ चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र यादव पतौरा गांव में शंभू को गिरफ्तार करने पहुंचे। जैसे ही सुरेंद्र यादव शंभू के मकान के पास पहुंचे, पहले से ही घात लगाकर झाड़ियों में बैठे शंभू ने पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक गोली चौकी इंचार्ज सुरेंद्र यादव के हाथ में लगी, जिससे वे वहीं गिरकर तड़पने लगे। मौके पर अफरा तफरी मच गई। साथ गए पुलिसकर्मी आनंद फानन में घायल दरोगा सुरेंद्र यादव को किसी प्रकार कंधे पर लाद कर मौके से भागे। घायल दरोगा की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि बदमाश शंभू मौके से फरार हो गया। सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, कई पुलिस टीम शंभू की तलाश में दबिश दे रही हैं। कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बरेली मोड़ पर दो संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली, तो उनके कब्जे से 4.5 किलो ग्राम अफीम बरामद की गई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे झारखंड राज्य के रहने वाले हैं और वहीं से अफीम खरीद कर जलालाबाद में महंगे दामों में बेच देते थे। आज भी वे रोडवेज बस से उतरकर जलालाबाद जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच वे गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार तस्करों ने अपना नाम अमलेश यादव व जितेंद्र यादव बताया। बरामद की गई अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसओजी शाहजहांपुर और थाना कोतवाली की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो अंतर प्रांतीय अपराधियों की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनके कब्जे से 4.5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जो जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए होती है। ये दोनों ही अभियुक्त थाना लावालौंग जनपद चातरा झारखंड के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ में बहुत से तथ्य और प्रकाश में आए हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम वेयर हाउस खोला गया। आपको बता दें, ईवीएम की कंट्रोल यूनिट मशीन की प्री लेवल चेकिंग की जानी है, जिसमें लगभग 3,500 से अधिक मशीनों की चेकिंग इंजीनियर्स के द्वारा की जाएगी। प्रभारी अधिकारी ईवीएम ने बताया कि चेकिंग का कार्य कल तक पूरा कर लिया जाएगा। शाहजहांपुर में थाना कोतवाली के मोहल्ला अजीजगंज में खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब एक मासूम बच्चा पिकअप में दब गया। मौके पर कोहराम मच गया। बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चा विवाह समारोह में शामिल होने के लिए रिश्तेदारी में आया हुआ था।